enter Bollywood? Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. सावरिया भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई हो, लेकिन रणबीर को लगता है कि उनकी फिल्म सावरिया को बनाकर फिर से 3D में रिलीज करना चाहिए। रणबीर को ऐसा क्यों लगता है, खुद सुनिए रणबीर से। रणबीर को लगता है कि सावरिया को 3D में बनाकर एक बार फिर रिलीज करना चाहिए। वो फिल्म जिससे रणबीर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, वो फिल्म जो संजय लीला भंसाली की थी, वो फिल्म जिसके लिए रणबीर ने अपना टॉवल तक गिरा दिया था। रणबीर चाहते हैं कि उसी फिल्म को 3D में रिलीज किया जाए। Which movie of yours would you actually want to come on 3D version on, so that people can actually watch you up close? I think Savariya, because nobody watched it, so at least then somebody would watch the movie. So I think Savariya is a film that I would really look forward to on 3D. 3D TV को लॉन्च करने आए रणबीर के सावरिया के बारे में ये थॉट्स शायद इसीलिए हैं क्योंकि व्यूअर्स उसे देखने ही नहीं आए और वो रणबीर और संजय लीला भंसाली के करियर पर लगा गई फ्लॉप का दाग। 3D में सावरिया आएगी तो शायद हिट हो जाए। बातों बातों में रणबीर ने कपूर फैमिली और यशराज के बीच की उन खबरों को भी पूरी तरह से गलत बताया, जिनमें कहा गया था कि राज कपूर की जिंदगी पर फिल्म बनाने को लेकर दोनों फैमिलीज में हो गया है विवाद। That information is completely misconstrued. There's no film as such where Yashraj has spoken to me about or something that RK Films is planning. I don't know where, in the day I opened the paper and I read it, I was shocked myself. So there's no truth behind it. साफ कर दिया कि राज कपूर नहीं बल्कि यशराज के साथ किशोर कुमार की जिंदगी पर बन रही फिल्म में उन्हें मिला है लीड रोल। But yes, I'm doing a biopic on Mr. Kishore Kumar, which I'm going to start, I think, sometime end of next year. खैर, ये तो नई फिल्म की बात है, पर रणबीर ने 3D TV लॉन्च के मौके पर नई टेक्नोलॉजी के सहारे ढूंढ निकाला सावरिया को 3D में रिलीज करने का नया आइडिया। सौम्या चंदेल, जूम, मुंबई।